राइडर्स जिनको तब्दीली का कीड़ा चैन नहीं लेने दे रहा, तो उनकी जो है मेरे ख्याल उनके लिए फिनाइल का इंतजाम किया जा रहा है। सो वो जो है कोर्ट जो है अपनी के साथ पहुंच गए अटक जेल। एक मियां बीवी है कोई, उनका अकाउंट जो है वो भी पकड़ा गया है जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। उनका रिमांड जो है वो 13 दिसंबर तक उनका रिमांड जो है वो दे दिया गया है। जो पीएम हाउस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी वो पीएम हाउस के रिकॉर्ड में नहीं है। शिबाशी साहब का एक जो है अदालत में केस लगा हुआ था, तो उसमें हम कुछ 5-7 लोग होंगे, तो जज साहब ने जो है मुझ समेत हम सबको जो है बाहर जाने के लिए कह दिया था। और ये 18वां रिलीफ है जो आमिर फारूक साहब ने जो है वो दिया है इमरान खान। पिछले 3 साल की तनख्वाहें बढ़ा के एरियर्स के साथ बकाया जात के साथ इन मौसूफ को जो है वो अदा की है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्ता बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और आज फिर माजरत पहले तो कि ये एक चलता फिरता व्लॉग जो है मुझे आज करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैडम का आज एक प्रोग्राम था और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो पंजाब की जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनसे उन्होंने आज मुलाकात की है। और पंजाब में वुमेन विंग की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से उन्होंने उसका कारकर्दगी का जायज़ा लिया, प्लस साथ में उनको मियां साहब के आने वाले इस्तकबाल और आने वाले इलेक्शंस के हवाले से जो है वो उनको गाइडलाइंस दी गई, उनके ऊपर जो है वो तंजीमी अमूर से मुतालिक उनसे गुफ्तगू की गई। तो जब मैडम की एक्टिविटी होती है तो हमारे लिए भी जो है वो ख़ास तौर पर ये व्लॉग वगैरह जो है ये फिर बैकग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी तंजीमी जिम्मेदारियाँ जो है वो मुझे पहले अदा करनी होती है। पहले तो मैंने सोचा कि छुट्टी करें, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, जब आपसे एक कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को भी पूरा करना चाहिए। आज हम 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक तो जो है वो बात होगी इमरान खान की जो साइफर केस के अंदर आज कोर्ट के अंदर जो अटक जेल के अंदर, और ये भी मैंने आपको मज़े की बात यह है कि आपको बता दिया था कल ही कि जज साहब जो हैं वो शायद खुद अटक जेल चले जाएं, उसके बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने एक नवा जो है वो लुच तला है, तो उस लुच फ्राई के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं साइफर केस की जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से। आज जो अटक जेल के अंदर जो है वो जज ज़ुल्करनैन हसनात साहब जो हैं, बड़ा लंबा सा नाम है उनका, मुझे इतना ही याद रहा था, वो जो हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, हाँ ये नाम है उनका। तो वो जो है कोर्ट जो है अपनी के साथ पहुंच गए अटक जेल। और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या ऐसे केसेस जिनको जो है वो सिक्योरिटी खदशात हों उनको जो है वो जेल ट्रायल उनका होता है। और मैं कई दफ़ा एज ए लॉयर जो है वो जेल ट्रायल्स कर चुकी हूँ। इमरान खान आपको पता है ना उनकी जान को पहले ख़तरा है, वो बाल्टियाँ ले लेके तो फिर रहे थे सारे पाकिस्तान में। और अभी भी बुशरा बीबी साहिबा ने जितनी पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, वो हर एक में एक ही दुहाई दे रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है। तो फिर अब उनकी जान बड़ी कीमती है ना जी, जिसको बचाने के लिए जो है वो खुद ही जज साहब को जो है वो जाना पड़ा अपनी अदालत समेत जेल में। और दूसरा जो है उनका रिमांड जो है वो 13 दिसंबर तक उनका रिमांड जो है वो दे दिया गया है। और अब जो है वो मौसूफ जो है इस रिमांड के ऊपर जेल में रहेंगे। अब इसके ऊपर 2 बातें हैं जो उनके वकीलों ने की। पहली तो उनके वकील ने बात की कि जी वो बार बार वो राणा सनाउल्ला की एक स्टेटमेंट को कोट करते हैं और वो कह रहे हैं कि राणा साहब जो हैं वो अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि साइफर की कॉपी वजारत खारजा में मौजूद है, और इसलिए जब कॉपी मौजूद है तो फिर ये केस ही नहीं बनता। ये हमेशा की तरह ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है पीटीआई की वकला की टीम। और जो है इसको मैं अगर जो है वो तो ठीक है, वकील को अपने वकील को जो है वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना होता, बट इतना प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें अफेक्ट्स ये हैं कि बिल्कुल राणा साहब ने कहा कि जो वजारत खारजा की कॉपी है वो मौजूद है वजारत खारजा के अंदर, लेकिन जो पीएम हाउस की कॉपी थी जो पीएम हाउस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी वो पीएम हाउस के रिकॉर्ड में नहीं है, वो इमरान खान साहब अपनी जेब में डालकर घर ले गए थे। और घर ले जाने के बाद जो है पहले इमरान खान को तो पूछ लें कि वो क्या चाहता है। वो खुद जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि साइफर की कॉपी जो है मुझसे गुम हो गई है, तो ये पता नहीं कौन सा केस बना रहे हैं। ये नंबर एक जो उनका एतराज़ था। नंबर दो उनका एतराज़ ये है कि ये जो है जेल ट्रायल नहीं हो सकता, जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, और जो है वो ये बड़ी ज्यादती हो रही है।
फिर मैं उन वकला को मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी ऐसा करें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर पढ़ लें, उसकी प्रोसीडिंग्स के मुताबिक ये जो कार्रवाई है ये होती ही इन कैमरा है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो है उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर वो ओपन कोर्ट नहीं होती, उसके अंदर चंद वकला जो दोनों साइड्स के होते हैं और जज साहब जो हैं वो इसके ऊपर ट्रायल करते हैं, इसके ऊपर ओपनली जैसे दरवाजे खुले होते हैं। खैर हमारे तो अपने जो लीडर्स हैं ना उनके केसेस भी ओपन ट्रायल नहीं होते थे, हालांकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरीके इतने हो सकते हैं। मुझे बल्कि याद है शिबाज शरीफ साहब का एक जो है अदालत में केस लगा हुआ था, तो उसमें हम कोई 5-7 लोग होंगे, तो जज साहब ने जो है मुझ समेत हम सबको जो है बाहर जाने के लिए कह दिया था, और मैंने कहा कि सर ये ओपन कोर्ट है, ये कोई मतलब इन कैमरा प्रोसीडिंग तो नहीं हो रही। बहरहाल उन्होंने हमें तब भी जो है वो बाहर जाने को कह दिया था, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग्स है जो होती ही इन कैमरा है। सो ये जो हमारे प्यारे वकला साहिबान हैं जो फिर से पीटीआई के बेचारे, वो पहले ही जो तहरीके फसाद के लोग हैं उनको अल्लाह पाक ने दिमाग तो दिया हुआ नहीं है, प्रोपेगंडा का वो शिकार होते हैं, हकीकत से उनका लेना देना कोई नहीं होता और उनको जिस भी लाइन पे लगाओ वो लग जाते हैं, उनका मतलब प्रॉब्लम ये है। अब जो इसी लाइन के ऊपर लगाने का एक ये भी नतीजा है कि आपने देखा कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, जिन्होंने इतनी गालियां खाने के बाद के बावजूद और इतनी जो है वो इनकी ट्रोलिंग के बावजूद, इनके जो है वो ट्रेंड्स चलाने के बावजूद इमरान खान को जो है वो फिर से जो है वो रिलीफ दे दिया, और ये 18वां रिलीफ है जो आमिर फारूक साहब ने जो है वो दिया है इमरान खान को, और जो है वो जितनी उनकी उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। और मज़े की बात यह है वो वकला जो आमिर फारूक साहब की अदालत में पेश होते हैं जो, और तर्जुमान इमरान खान के वो नईम पंजोता साहब, वो जो है उन्होंने खुद ने ट्वीट किया इस जो है वो टॉपिक पे आमिर फारूक साहब के खिलाफ, उसके ऊपर जो है वो तहकीकात करने का फैसला किया गया है, और FIA आई थिंक और IB और शायद SIB उसको जो है तहकीकात करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो मुनज्जम कैंपेन की गई है ये कहाँ से हुई है, और जो है अब वो बेचारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको तब्दीली का कीड़ा चैन नहीं लेने दे रहा, तो उनकी जो है मेरे ख्याल उनके लिए फिनाइल का इंतजाम किया जा रहा है। सो अब आप देखेंगे कि जब अच्छा गलती ये करते हैं, ये कानून को हाथ में लेते हैं और जब इनसे जो है वो जवाब लिया जाए तो फिर फटाफट इनको बुनियादी हुकूक याद आ जाते हैं, या जो है ये जुल्म हो गया और इनके साथ ज्यादती हो गई उसका जो है ये रोना पिटना डाल देते हैं। तो ये जो है ये अब इसके ऊपर जो है इनको अब देखा जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या होगा। अच्छा वो एक और भी रिपोर्ट इससे पहले आ चुकी है जिसके अंदर कुछ अकाउंट्स जो हैं वो ऑलरेडी हुए हैं, सामने आए हैं, अजीबोगरीब नामों के एनोनिमस किस्म के अकाउंट्स बनाए हुए थे, एक मियां बीवी हैं कोई, उनका अकाउंट जो है वो भी पकड़ा गया है जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। सो अब जब इनको इन मामलात पे उठाया जाएगा तो फिर आप देखिएगा, फिर वो कहेंगे हो सियासी इंतकाम हो गया, बहुत जुल्म हो गया। खैर अब आ जाते हैं सदर ममलिकत के कारनामे के ऊपर, देना मुझे सदर ममलिकत जो है उनका क्या कारनामा है ये मैं जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सदर ममलिकत जो है उन्होंने चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। सरकारी दस्तावेजात को देखकर मालूम होता है कि सदर ममलिकत ने तनख्वाह में 2 इजाफे मांग लिए हैं, हाँ जी एक नहीं 2, और वो कह रहे हैं जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021 से होना चाहिए, यानी पिछले 2 साल की तनख्वाहें जो है बढ़ा के इसको वो दी जाए, ये जरा सुने आप। अच्छा जबकि दूसरे का इजाफा जो है वो 1 जुलाई 2023 से होगा, तो जो पिछले 3 साल की तनख्वाहें बढ़ा के एरियर्स के साथ बकाया जात के साथ इन मौसूफ को जो है वो अदा की जाए। महाना तनख्वाह उनकी 8,46,550 रुपये है, और जिसमें वो 2 मराहल में इजाफा चाहते हैं जिसके तहत जुलाई 2021 से इनकी तनख्वाह 8 लाख की बजाय जो है वो 10,24,325 रुपये हो जाएगी, यानी 2 लाख रुपये इजाफा होगा, और जबकि जुलाई 2023 से इनकी जो तनख्वाह है वो 12 लाख जो है 29,190 हो जाएगी। बंदा पूछे कि एक तरफ ये तहरीके फसाद वाले जो है जो खुद पाकिस्तान के इन तमाम माशी मसाइल की जड़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में जकड़ा, फिर वही IMF का प्रोग्राम तोड़ा, फिर जो है वो महंगी बिजली बनवाई जो है वो अपने नदीम बाबर और रजाक दाऊद की जो है कंपनियों से,
और एक लंबा चौड़ा सर्कुलर डेट जो है वो पाकिस्तान की जो है वो किस्मत में लिख के जो है ये चले गए। और आज जो है वो रोना धोना भी आपको पता ना करते हैं, कस्बे बहाते हैं कि बड़ा जो है महंगाई पे हमें कंसर्न है, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया। लेकिन आप इनकी असलियत यह है कि सदर मुमलकत की जो अब इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लोग परेशान हैं, पाकिस्तान के मौशी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन सदर मुमलकत जो कख नहीं करते, जो कख पाने के दूरा नहीं करते, उनको जो है वो आप उनकी तनख्वाह बढ़ाते। बंदा पूछे भाई आप करते क्या है, आपका काम क्या है, मैं तो कहती हूँ 8 लाख में आपने खाम खा ये बंदा रखा हुआ है, इसको वैसे फारिग कर देना चाहिए। ये जिसको ये नहीं पता कि जो है वो बिल जो है उसको कैसे कानून को जो है अगर आपने वापस भेजना हो तो कार्रवाई क्या होती है, जिसको ये नहीं पता जो हर एक इमरान खान की साजिश में उसका पार्ट एंड पार्सल रहा है, वो काजी फाइजिसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेजना हो या वो कौमी असम्बली को तोड़ देना हो, तमाम तार गैर आइनी जो इकदाम हैं उसमें इमरान खान का पार्ट एंड पार्सल होता है। और हाँ, आसिम मुनीर साहब की जो तकर्री है वो भी रोकने का, आपको पता ना इमरान खान ने कहा था कि मैं और अलवी जो है इस पे खेलेंगे, वो अलवी को मेरा ख्याल है कि वो छेती समझ में आ गई कि मेरे ये मेरे पार मैं नहीं चुक सकता। तो फवाद चौधरी ने तो खैर इमरान खान से जब वो मुलाकात के लिए आए समरी लेके, ये भी गलत था कि आप वो समरी लेकर एक इररेलीवेंट बंदे के पास आ रहे थे, आके जो है वो फवाद चौधरी ने कहा कि हम इस पर प्रेस रिलीज जारी करेंगे, सदर मुमलकत ने ऐसे टापो टाप जाते ही साइन कर दिए और उनको अपनी औकात का जो है वो इल्म हो गया था। सो अब ये जो ये तमाम मामलात में मुलव्वस आदमी है इसको तो जेल में होना चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, जो गैर आईनी काम इसने किए हैं उसकी मतलब दीदा दलारी डिटाई ये है कि वो कह रहा मेरी तनख्वाह में इजाफा कर दो, पाकिस्तान की आवाम जाए भाड़ में, और ये जो तरीके इंसाफ के लोग जो तस्वे बहा रहे हैं, जो महंगाई के ऊपर प्रोपेगंडा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ, उनका असल चेहरा ये है। लेकिन मुसीबत यह है कि अकल बंद लोग जो हैं, जिनको अकल या अल्लाह ने दीनी है या बंद हो चुकी है, उनको जो है वो हक और सच जो है उसमें कोई उनको वो नज़र नहीं आता। और वो बड़ा ज़बरदस्त है ना वो जियो का, सच जानकर जियो, तो खुदा का वास्ता है सच जानकर जियो। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।